हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं अपनी नई क्लास के साथ। जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैं इस समय हाई स्कूल का जो लेसन है उसे एक्सप्लेन कर रहा था। हाई स्कूल का लेसन 3 जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है वो पूरा हुआ, तो अब आज की वीडियो लेक्चर जो है ये इंटरमीडिएट क्लास के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि आज जो है आपको डीप वाटर लेसन मैं आपको समझाने वाला हूँ, डीप वाटर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डीप वाटर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ऑटोबायोग्राफी है, और ये ऑटोबायोग्राफी जो राइटर के जो बचपन की जो मिस एडवेंचर उसके साथ होता है ये उसके बारे में है। तो डीप वाटर लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मजेदार होगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा हर एक लाइन को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आपको ये लेसन कभी भूले ना। और लेसन शुरू करने के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने अपने पिछले हाई स्कूल के स्टूडेंट को बताया था कि जितना भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जितना भी मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको अपने माइंड में इमेजिन करते हुए चलनी है। मतलब उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लेनी है कि ये घटना ऐसी हुई होगी, ये घटना वैसे हुई होगी, हर घटना को अपने माइंड में इमेजिन करते हुए चलना है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक एवं डिटेल में बताई जाती है। लेसन में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस लेसन को लिखा किसने है। तो इस लेसन को लिखा है विलियम डगलस, जिनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था और 1980 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई थी। मतलब वो लगभग 82 ईयर्स के थे, और उन्होंने जो अपनी कई सारी स्टोरी कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो ये स्टोरी है ये स्टोरी उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई थी जिससे उनको पानी में घुसने से भी डर लगता था। एक घटना बहुत छोटे थे तब उनकी उनके साथ हुई थी, एक घटना जिसके बारे में इस लेसन में वर्णन किया गया है वो तब हुई थी, और उनको पानी से इतना डर लगने लगा था कि वो पानी में कभी घुसना ही नहीं चाहते थे। हालांकि उन्हें तैरने का बहुत शौक था लेकिन उनको पानी का जो डर था उसके कारण वो पानी के अंदर जाना नहीं चाहते थे। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कैसे अपने उस डर पे काबू पाया और कैसे वो फिर से अच्छा तैरने वाला बन सके, मतलब तैरना किस प्रकार से वो सीख सके, ये सारी चीजें इस लेसन में बताई गई हैं। तो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो मुझे पता है कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि इस लेसन में आगे क्या हुआ है ये चीज जानने के लिए। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन में क्या क्या हुआ था विलियम डगलस के साथ। तो लेसन की शुरुआत होती है इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। मतलब इस जो घटना बताई गई है, जो घटना हुई है वो कब हुई थी, जब वो 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय लिया था, मैंने निश्चय किया था कि मुझे तैरना सीखना है, मैं तैरना सीखना चाहता था। देयर वॉज अ पूल इन द YMCA इन याकिमा, और याकिमा शहर में YMCA नाम का एक पूल यानी तालाब था। मतलब वो बता रहे हैं कि जब वो 10 से 11 साल के थे तब उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मुझे तैरना सीखना है, और उसी के दौरान उनके साथ ऐसी एक घटना हुई थी जिनसे उसे पानी से डर लगने लगा था। और उस समय कहाँ रहते थे, वो याकिमा शहर में रहते थे, और उन्हीं उसी शहर में एक YMCA नाम का एक पूल था, एक तालाब था जहां पे बच्चे सब तैरने जाते थे, तैरते थे और तैरना सीखते थे। तो उसी तालाब में वो भी तैरना चाहते थे। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वो याकिमा शहर का जो YMCA तालाब था वो जो चीज वो चाहते थे वो उनको ऑफर कर रहा था। मतलब वो उनके लिए सबसे उपयुक्त था क्योंकि उन्हें दूर जाना भी नहीं था, घर के पास में ही था YMCA तालाब, और वो उनके तैरने के लिए सबसे उपयुक्त था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचेरियस, ट्रेचेरियस का मतलब हुआ बहुत ही खतरनाक। तो याकिमा नदी जो थी, याकिमा शहर की जो नदी थी वो बहुत ही ट्रेचेरियस थी, बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट, और मेरी माँ जो थी लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। कैसी चेतावनी, जैसे हर बच्चे की माँ होती है, डर लगा रहता है कि अगर तुम तैरने जा रहे हो तो कहीं याकिमा रिवर में मत चले जाना, क्योंकि वो रिवर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तूफानी रिवर थी। उसमें अक्सर जो तैरने वाले जाते थे वो अक्सर डूब जाया करते थे। तो वो उसके बारे में उसकी माँ जो थी, जो राइटर की मॉम थी, वो उसे बार बार ये वार्न कर रही थी कि देखो उस नदी में मत जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड
द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में हर चीज को ताजा रखती थी। ईच ड्रोनिंग इन द रिवर मतलब जो नदी में हर बार की जो डूबने से मृत्यु हुई है, हर मृत्यु को वो मेरे दिमाग में एकदम ताजा रखती थी, एकदम फ्रेश रखती थी कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे डूब डूब के मरे हैं। ये चीज बार बार वो अपने बेटे को बताती रहती थी और उसके दिमाग में हर चीज को फ्रेश करके ताजा करके रखती थी कि भूले मत और कहीं गलती से वो उस नदी में चला ना जाए। यही उसका मेन मोटो था कि हर बार उसकी हर घटना को बार बार रिपीट करके बताती रहती थी कि कहीं वो गलती से उस नदी में चला ना जाए। बट YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA जो तालाब था वो सुरक्षित था। क्यों सुरक्षित था? क्योंकि इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड, मतलब उस तालाब में दो एंड थे, एक था उथला एंड एक था गहरा एंड, मतलब एक तरफ से वो उथला था और एक तरफ से गहरा था। तो जो उथला एंड था मतलब जहां पे पानी कम था वो 2 या 3 feet गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पर वो 9 feet गहरा था। मतलब धीरे धीरे एक कल्पना कीजिए कि एक ऐसा तालाब जो धीरे धीरे अंदर गहरा होता जाता था। इट द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ग्रेजुअल का मतलब जो धीमा था, मतलब ड्रॉप जो था धीमा था, मतलब धीरे धीरे एक स्लोप की तरह उस रिवर को, तालाब को बनाया गया था कि पहले शुरू में 2-3 feet गहरा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती जा रही थी और अगले छोर पे यानी अगले एंड पे जो तालाब था वो 9 feet गहरा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स मतलब वे पंख जो तैरने में काम आते हैं, जो बच्चों को तैरने सिखाने के लिए एक पंख होता है जिसके कारण बच्चे डूबते नहीं है, तो वो पंख तैरने में बच्चों को काम आते हैं, वाटर विंग्स कहते हैं। या फिर उन्हें जो कहते हैं एक पानी का पंख, पानी का वाटर विंग्स, पानी का पंख, जल पंख जिसे कहा जाता है। तो आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जल पंखों की जोड़ी ली एंड वेंट टू द पूल, और तालाब में चला गया, मतलब तालाब की ओर मैं चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, मुझे इसके अंदर नंगे जाने में बहुत घृणा थी, बहुत ही गुस्सा लगती थी। मतलब एक अंडरवियर पहनी और तालाब के अंदर चले गए, इस चीज से वो जो राइटर था उसे बहुत घृणा होती थी, बहुत गुस्सा लगती थी। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और इसलिए गुस्सा लगती थी कि उसके पैर बहुत पतले पतले थे और वो अपने पैरों को दिखाना नहीं चाहता था किसी, स्किनी का मतलब दुबले पतले से, अपने दुबले पतले से पैरों को किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे बिल्कुल अंडरवियर पहनकर तालाब में जाने से घृणा होती थी। बट आई सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ दमन कर देना, दबा देना। तो बट आई सब्स्टिट्यूट, मैंने दमन कर दिया किसका, माई प्राइड, अपने जो गर्व होता है अपने अभिमान का या फिर अपनी शर्म का, दमन किया एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। मतलब जिस बात से उसे घृणा होती थी उसी घृणा को, उसी अभिमान को उसने दबाया और वही किया, मतलब केवल अंडरवियर पहन के ही तालाब के अंदर गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, शुरुआत में यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में हाउएवर जो कुछ भी हो, आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है घृणा होती थी, मतलब चिढ़ होती थी टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी के अंदर होता था तब मुझे पानी से चिढ़ सी होती थी, पानी के अंदर जाने पर मुझे गुस्सा लगती थी। क्यों गुस्सा लगती थी? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, मतलब पहली घटना कब हुई थी उसके साथ, ये तो दूसरी घटना थी 10 या 11 साल पे जो हुई थी घटना, ये दूसरी घटना थी, लेकिन पहली घटना क्या हुई थी? इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, ये तब हुआ, शुरू हुआ जब मैं कुल 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए, इसका मतलब क्या हुआ, समुद्र तट। तो उसके पिताजी उसे जब 3-4 साल का था तो उसे समुद्र तट पे, कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, सर्फ का मतलब वो हुआ जहां पे लहरें आके टकराती हैं। तो उस वो यानी ही, वो एंड आई और मैं, जो समुद्र के जो जहां लहरें आके टकराती उस जगह पे खड़े हुए थे, सर्फ उसे कहते, सर्फ पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, मैंने उन्हें पकड़ रखा था। एक इमेजिन कीजिए कि आंख बंद करके कि एक बच्चा छोटा सा हो अपने पिता का हाथ पकड़े हुए लहरों के किनारे खड़ा हुआ, जहां उसके पास पास बार बार पैर में उसके की लहरें टकराती है, और उस बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ या उंगली पकड़ रखी है। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, इस पर भी लहरों ने नॉक्ड मी डाउन, मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई, मतलब लहरें आई उससे टकराई और वो अपने पिता का हाथ पकड़े होने के बावजूद भी उस लहरों के साथ फर्श, मतलब वहां पे उसकी रेत पे गिर गया और जो लहरें थी उसके ऊपर से
गुजर गई, मतलब लहरें चढ़ती चली गई, और आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर एकदम दफन सा हो गया। इमेजिन कीजिए कि बच्चे के ऊपर से पानी निकल गया तो बच्चा पूरी तरह से पानी में दफन सा हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें एकदम उखड़ चुकी थी। आई वॉज प्रेग्नेटेड, मैं डर गया था। माई फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी हंस पड़े इसको देखकर, मतलब जब पानी के अंदर वो दफना, मतलब पानी उसके ऊपर से गुजर गया तो एकदम डरा सहमा सा बच्चा पानी के अंदर से निकला, तो उसके देख के उसके पिताजी खूब हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे मन में जो है उस समय डर बैठ गया, एक बहुत ही डरावनी चीज बैठ गई। एट द ओवर पोरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, और उन लहरों की जो डुबा देने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, उससे है डर गया। मतलब एक कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा जो कि पहली बार समुद्र के किनारे गया और अचानक उसके पैरों से लहरें टकराई और वो रेत पे गिर गया और पूरा पानी की पूरी लहर जो है उसके ऊपर से गुजर गई, और सोचिए कितना उस समय उसे डर लगा होगा कि जब वो पानी के अंदर रहा होगा। तो वो टेरर उसके पिताजी भले उस हंसकर हंस रहे थे इसे ये दिखाने के लिए कि सब कुछ सही, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसके मन में जो पानी का टेरर था, डर था, वो कितना डीप बैठ गया होगा। क्लियर, तो अब आगे बढ़ते हैं। माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर। अब माय इंट्रोडक्शन, मेरा जो परिचय था किससे, टू YMCA स्विमिंग पूल, मतलब YMCA के जो तरण ताल थे, स्विमिंग पूल का मतलब तरण ताल, उससे मेरा परिचय हुआ जब रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, मेरे अंदर के जो दुख भरी यादें थी उसको रिवाइव्ड कर दिया, मतलब उसे जागृत कर दिया, एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, और उस जो बचपन के डर को फिर से जगा दिया, फिर से उजागर कर दिया। क्लियर, मतलब कि जैसे वो पानी के अंदर उतरा तो उसके मन में वो पुरानी यादें तुरंत ताजा हो गई कि कैसे 3 या 4 साल की उम्र में वो पानी के अंदर एकदम डूब सा गया था और कितना मन उसके, कितना उसके मन में पानी के लिए बैठ गया होगा, वो डर फिर से जागृत हो गया, फिर से उसके मन में डर आया कहीं फिर से डूब ना जाऊं। तो ये चीज बता रहा है कि जब जैसे ही मैंने पानी में पहली बार उतरा YMCA के तरणताल में, तुरंत ही मेरे अंदर की ये सारी मेमोरी मेरे अंदर एकाएक आने लगी, कहीं पानी में डूबकर मर ना जाऊं। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय में आई गदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना जो विश्वास है वो पा लिया, मतलब थोड़े समय, मतलब 2-4-10 दिन पानी में लगातार उतरने के कारण मेरे मन में जो विश्वास था वो फिर से जागृत हो गया कि नहीं, मैं हमेशा नहीं डूब सकता हूँ, मैं तैरना भी सीख सकता हूँ। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जो जलपंख हैं उनके साथ पैडल कर रहा था, मतलब पैर चलाने की कोशिश कर रहा था, पैडल कर रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दिम, एपिंग का मतलब हुआ कि जो नकल करने होती है बॉयस, मतलब अन्य बच्चों को देखकर मैं अपने पैर जल पंखों को बांध कर शरीर में पैर चलाने लगा, अन्य बच्चों को देखकर, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करने लगा। मतलब यहाँ पे बता रहा है जो डगलस हैं, विलियम डगलस, वो बताए कि जब पानी में उतरे तो पहले तो उन्हें डर लगा, डर फिर धीरे धीरे डर, उन्होंने डर पे काबू पाया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि नहीं मैं तैर सकता हूँ, और फिर जब तैरने की कोशिश शुरू की तब उन्होंने क्या किया, दूसरे बच्चों को, यानी और जो बच्चे उस तालाब में तैर रहे थे उन बच्चों को देखकर अपने पैर चलाने की कोशिश की और उन्हीं की नकल करने की कोशिश की कि अब किस तरह से तैरा जाए। आई डिड दिस 2 or 3 times इन डिफरेंट डेज, मैंने इसे 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में, ऐसी चीजें मैंने, मतलब तैरने की कोशिश 2 या 3 बार दिन भर में और अलग अलग दिनों में 2-3 दिन 4 दिन की। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील ईज इन द वॉटर When the misadventure happened, और तभी जब मैं पानी के अंदर आसानी, मतलब आराम महसूस करने लगा था, आसानी महसूस करने लगा था, मतलब पानी का, जब पानी के अंदर का जब डर उसके मन से निकला तो जब वो पानी के अंदर आसानी महसूस करने लगा तब एक मिसएडवेंचर हैपेंड, एक और बुरी घटना उसके साथ घट गई। मतलब किसी तरह उसने अपनी पुरानी घटना को भुलाया था और पानी से दोस्ती की थी और तैरना सीखना शुरू किया था और उसका विश्वास धीरे धीरे लौट रहा था कि उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया, एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना थी? आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं तब तालाब पे गया जब कोई भी तालाब पर नहीं था, नो वन एल्स वाज देयर कि मतलब कोई भी तालाब में नहीं था। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा, छोटा सा 10-11 साल का बच्चा, एक ऐसे स्विमिंग पूल पे जाता है जहां पर कोई नहीं होता, अकेला हो जाता है। द प्लेस वाज क्वाइट, जो
उस वो स्थान था एकदम शांत था। अब सोचिए उसके साथ वहां पे क्या हुआ होगा। द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। मतलब जो पानी था वहां पे जब मैं पहुंचा, जिसमें नरेटर बता रहा है, विलियम डगलस बता रहे हैं कि जब एक बार वो अकेले चले गए उस तरणताल पे, स्विमिंग पूल पे, तो वहां पे वो अकेले ही थे, कोई नहीं था। और जो तरणताल यानी स्विमिंग पूल की जो स्थिति वो एक्सप्लेन कर रहे हो, कह रहे हैं कि पानी वहां का जो था स्विमिंग पूल का एकदम शांत था। एंड बॉटम जो उसका तला पेंदे थे, जो उसका पेंदी था उस तो तालाब की यानी उस स्विमिंग पूल की, वो बिल्कुल टाइल लगी हुई थी, उसमें सफेद टाइल लगी हुई थी, तो उसका बॉटम सफेद था और क्लीन, इतना साफ था कि जैसे बाथटब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं अकेले जाते हुए उसके अंदर डर रहा था। मतलब जो विलियम बता रहे हैं कि जब वो वहां पे थे, पहुंचे, तब देखा कोई नहीं है, तो वो अकेले पानी में जाते हुए डर रहे थे। इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं उस तालाब के किनारे की तरफ बैठ गया और वेट फॉर अदर्स, अन्य की प्रतीक्षा करने लगा। मैंने और लोगों की प्रतीक्षा करने लगा कि और आए तो उनके साथ मैं उस स्विमिंग पूल के अंदर उतर जाऊं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजियर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years old। मतलब मैं वहां ज्यादा देर अकेला नहीं बैठा था कि एक जो है हट्टा कट्टा सा जो लड़का था वो वहां पे आया। लगभग वो 18 साल का होगा, प्रोबेबली शायद वो 18 साल का रहा होगा, वो वहां पे आया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसके जो सीने पर बहुत ही घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन। और वो शारीरिक बनावट का बहुत अच्छा नमूना था। मतलब उसका शरीर जो इस प्रकार से बना हुआ था, इसका शरीर इस प्रकार से गठा हुआ था कि वो एक मॉडल की तरह लग रहा था। मतलब इसमें जो विलियम बताते हैं कि उसका जो शरीर था इस प्रकार से गठा हुआ था कि एक मतलब हेल्दी बॉयज का एक नमूना, एक स्पेसिमेन लग रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। और उसके जो हाथ थे और उसकी जो टांगे थी उसके अंदर रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मतलब गठी हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, रिपलिंग मसल्स दिखाई दे रहे थे। ही येल्ड हाई स्किनी हाउ हैड यू लाइक टू बी टक्ड। हे स्किनी मतलब हे दुबले पतले, या हे पतलू जिसे कहा कि हे स्किनी हे पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू बी टक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। टक्ड मतलब डूबना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप इंड। इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया, मतलब उस हट्टे कट्टे लड़के ने विलियम को उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप इंड, और उस गहरे जो गहरा छोर था जिस तरफ 9 फीट गहराई थी तालाब की, स्विमिंग पूल की, उसकी तरफ मुझे उछाल दिया। मतलब इमेजिन कीजिए कि एक दुबला पतला सा लड़का बैठा है, खट्टा कट्टा सा लड़का पहुंचा, उसे गोद में उठा के और उस तालाब के जो गहरा पोर्शन था, 9 फीट वाला पोर्शन था, उसकी तरफ उसने उछाल दिया। आई लैंडेड ऑन सिटिंग पोजिशन शैलो वाटर। मैं लैंडेड मतलब मैं पानी पर गिरा बैठे हुए पोजिशन, मतलब बैठा ही था और बैठे बैठे ही उसने उसे उठा लिया और उसे गहरे पोर्शन की तरफ उछाल दिया। तो मैं सिटिंग पोजिशन पे ही, मतलब बैठी ही पोजिशन पे पानी के ऊपर गिरा, स्वेलोड वाटर, और कुछ पानी गटक गया, मतलब कुछ पानी पी गया। एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकाएक नीचे की तरफ चला गया। मतलब उस पानी में जैसे गिरा वो तुरंत नीचे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्रैग्नेटेड, मैं डर गया, बट नॉट एट फ्रैग्नेटेड आउट ऑफ माई बिट्स, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं अपने होशो हवास खो दूं। मतलब वो पानी में गिरा तो डर तो गया, लेकिन विलियम बता रहे हैं कि इतना नहीं मुझे डर लगा था कि मैं बेहोश हो जाऊं या अपने में होशो हवास खो दूं। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, नीचे की तरफ जब मैं जा रहा था, मतलब जब राइटर बता रहा है, विलियम बता रहा है कि जब वो पानी में सतह से नीचे की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने प्लान किया। When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर तली को छुएंगे, मतलब उन्होंने प्लान किया कि जब मेरे पैर तली, मतलब जब उस राइटर के पैर स्विमिंग पूल की तली में पहुंचेंगे, तली को छुएंगे, I would make a big jump, मैं वहां से एक बड़ी छलांग मारूंगा, मैं वहां से एक बड़ी छलांग मारूंगा और come to the surface, और सतह पर आ जाऊंगा, lie flat on it, और उसके ऊपर एकदम क्षैतिज रूप में लेट जाऊंगा, मतलब पानी के ऊपर एकदम क्षैतिज रूप में लेट जाऊंगा। And paddle to the edge of the pool, और मतलब पूल के किनारे की तरफ, वो एज मतलब पूल के किनारे की तरफ जाने के लिए पैडल करने लगूंगा ना, पैर हाथ पैर चलाने लगूंगा कि मैं तैरकर उस पूल के किनारे की तरफ जा सकूं। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन,
और ये जो रास्ता था मेरे लिए बहुत लंबा लग रहा था, मतलब वो जो 9 फीट का गहरा रास्ता था वो राइट जो विलियम थे उनके लिए बहुत लंबा लग रहा था जब वो नीचे जा रहे थे। दोस 9 फीट वर मोर लाइक 90 और वो 9 फीट मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। मतलब वहां पे वो सोच रहे थे कितनी जल्दी मैं तली तक पहुंचूं और तली से पैर को टकरा के मैं ऊपर सरफेस की तरफ आ जाऊं, लेकिन पानी का घनत्व जैसा आप जानते हैं कि कोई चीज उसमें जल्दी नीचे तुरंत नीचे नहीं जाती है, आराम से नीचे जाती है, जितना उसका जो साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग वो नीचे जाएगी। आप देखेंगे कि कोई कील फेंक दीजिए तो उसका जो स्पेस होता है सरफेस होता है कम होता, तुरंत नीचे चली जाती है, लेकिन वहीं पे कहीं भी आप उसमें लोहे की चादर फेंक के देखिए तो देखिए धीरे धीरे डूब के जाएगी क्योंकि उसका सरफेस ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो विलियम था उनके बॉडी का सरफेस जिसका था उस तरीके से वो नीचे धीरे धीरे जा रहे थे और इसी कारण से वो 9 फीट उनको 90 फीट के बराबर लगते थे, बहुत धीरे वो नीचे जा रहे थे। एंड बिफोर आई टस्ट बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं तली को छूता मतलब मेरे पैर जो तली को जब तक टच करते हैं माई लंग्स रेडी टू बस्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार थे, मतलब वो सांस भर के बैठा हुआ था तो उसके फेफड़े एकदम फटने को तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने तली को छुआ तली को हिट किया आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर लिया और मेड और उसको किया व्हाट आई थॉट, जो कुछ मैंने सोचा था वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ एक बड़ी सी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, मैंने कल्पना की थी कि आई वुड बॉब कि मैं उछल कर बाहर आ जाऊंगा टू द सर्फेस, सतह पर मैं उछल के बाहर आ जाऊंगा लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, एक जो हल्का सा ढक्कन होता है इसे जो बोतलों में लगाया जाता है उसे कॉर्क कहते हैं। तो उसने सोचा था कि जैसे ही मैं तली से छलांग मारूंगा तो मैं उस कॉर्क की तरह पानी से उछल कर एकदम से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि कभी आपने देखा होगा बोतल के अंदर अगर कॉर्क लगी बोतल को पानी के अंदर खोला जाता है तो कॉर्क एकाएक झटके से ऊपर पानी के आ जाता है, तो उसी प्रकार से उसने कॉर्क की तरह अपने आप को इमेजिन किया था कॉर्क की तरह ही मैं बाहर आ जाऊंगा। इंस्टेड बजाय इसके आई केम अप स्लोली, मैं मतलब उस अपनी सोच के बजाय सोच जैसी थी कॉर की तरह बाहर आने की उसकी बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया, केम अप स्लोली धीरे धीरे। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली एंड सा नथिंग बट वाटर, और पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा, मतलब पानी के अंदर उसने अपनी आंखें खोली, मतलब अभी तक उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने पानी के अंदर अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दिया, नथिंग बट वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू, और ऐसा पानी जो कि गंदा था और पीलापन ली, मतलब वो पानी। आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया, मैं घबरा सा गया कि अब मैं पानी से पैस कैसे बहराऊंगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, मैं ऊपर पहुंचा और एक रस्सी जैसा कुछ पकड़ने की कोशिश की, मतलब हाथ ऊपर गए कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केवल मैं पानी ही पकड़ पाया। आई वॉज सपोर्टिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैं चीखने का प्रयास करता था बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, और तब मेरी आंखें और मेरी नाक केवल पानी से बाहर आए बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक, और मैं जब पानी की सतह पे आया तो मेरी जो गला था वो पानी ने एकदम रुंध दिया था और मैं बहुत सारा पानी पी गया था और मेरा गला एकदम से बिंध गया था पानी के कारण, मैं चीख नहीं पा रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग अप माई लेग्स, मैंने अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे बिल्कुल निर्जीव के समान लटके हुए थे, मतलब वो बाहर नहीं आए, पैरालाइज्ड एंड डिगेड, और वे ऐसे लग रहे थे कि उनमें लकवा मार गया है और वो जड़वत हो गए हैं। पैरालाइज मतलब लकवा मार गए, डिगेड मतलब जड़वत हो गए हैं। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़े से मतलब बड़ी ताकत ने फिर से मुझे अंदर खींचना शुरू किया। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा बट ओनली द वाटर हेल्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने जो अपनी लंबी यात्रा जो उस तालाब के तलहटी के लिए फिर से शुरू की। आई स्टार्टेड लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने तालाब उस ताल के तली की फिर से लंबी यात्रा शुरू कर दी। आई स्ट्रक एट वाटर एज आई वेंट आउट, और जैसे ही मैं नीचे गया मुझे पानी ने चारों तरफ से स्ट्रक कर लिया, घेर लिया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स,
और अपनी ताकत को मैं उस प्रकार से खर्च कर रहा था एज वन, जैसे कि कोई इन ए नाइटमेयर, मतलब रात के डरावने सपने में फाइट्स एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, एक अपराजेय ताकत से लड़ते हुए अपनी ताकत को खर्च करता है किसी सपने में, उसी प्रकार से मैं पानी में अपनी ताकत को खर्च कर रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मेरी जो सांसें थी वो खड़ने लगी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रॉप्ड, और मेरा जो सिर है वो धक धक करने लगा था, मतलब अगर आप सांस रोक के बैठ जाए तो थोड़ी देर बाद आपकी जो धड़कन थी वो आपके दिमाग में सुनाई देने लगी धक धक करके। उसी प्रकार से उस समय उसका जो दिमाग था, उसके सर जो था, धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर से आ रहे थे। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे जो योजना बनाई थी मुझे वो योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक ए कॉर्क ऑफ टू द सर्फेस, मैं जो तालाब के तलहटी से छलांग मारूंगा और कॉर्क की तरह ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पे एकदम क्षैतिज लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड थ्रेश माई लेग्स, और अपने हाथों से पानी को काटूंगा। एंड थ्रेश माई लेग्स, और पैरों से पानी को भी काटूंगा, मतलब पैरों को भी चलाऊंगा, अर्थात वो सरफेस पे आकर तैरना शुरू कर देगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता रहा, अंतहीन रूप से मैं नीचे ही जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, और मैंने आंखें खोलने के बाद देखा कि जो मेरे तरफ पानी ही पानी कहते, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल पानी, पीला सा पानी पड़ा हुआ था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और इतना घना पानी था, इतना ज़्यादा घना पानी था कि उसके पार कोई भी नहीं दे सकता था। एंड देन ए शील स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब एक पूर्ण रूप से एक शुद्ध डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, वो डर जो कुछ नहीं जानता, उस डर मतलब वो डर जो कुछ भी नहीं जानता कि कौन किस स्थिति में है। टेरर मतलब वो डर जिसके पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, ऐसे डर में मतलब ऐसा डर जिसको कि जो कुछ भी ना जानता हो, मतलब कोई भी स्थिति, किसी भी मनुष्य की स्थिति ना जानता हो, या फिर ऐसा डर जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, ऐसे डर ने मुझे जगड़ लिया। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और ऐसा डर जिसको केवल एक्सपीरियंस जो करेगा वही जान पाएगा, बिना एक्सपीरियंस बिना अनुभव किए हुए उस डर को कोई भी नहीं जान सकता, ऐसे डर ने मुझे जकड़ लिया। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं अंदर जो था श्रिंक कर रहा था, मतलब बिल्कुल जड़ हो रहा था, मतलब स्थिर हो जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया था, अर्थात पानी के अंदर मुझे लकवा मार गया था, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। स्टिफ रिगिड विद फियर, और उस डर के कारण मैं स्थिर हो गया था, जड़ हो गया था, मतलब इतना ज्यादा डर ने मुझे जकड़ लिया था कि मुझे कुछ करने की सूझ ही नहीं रही थी कि मैं हाथ पैर चलाऊं, कि मैं ऊपर आने की कोशिश करूं, मैं पूरी तरह से जड़ हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वाज फ्रोजन, यहां तक कि मेरे गले के अंदर की जो चीख थी वो भी जम चुकी थी, जड़ हो चुकी थी, स्थिर हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड्स, जो मेरा हृदय था, दैट इन द पाउंडिंग इन माई हेड, जो कि मेरे सिर में धड़क रहा था, मेरा जो हृदय था जो मेरे सिर में धड़क रहा था, सेड कहता था दैट आई वॉज स्टिल लाइफ, कि मैं अभी भी जीवित हूँ, मतलब और जो हृदय की धड़कन जो थी, राइटर के अनुसार जो होता है कि हृदय की धड़कन जो उस समय दिमाग में धड़क रहा था, बस उसके अतिरिक्त और सब कुछ शरीर की सारी क्रिया एकदम स्थिर हो गई थी, कुछ भी नहीं उसके शरीर में काम कर रहा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तब डर के बीच में मुझे प्लान था, मेरी जो योजना थी, मेरी जो कारण था वो मुझे याद आया। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे याद रखना है कि जब मैं बॉटम यानी तली में जब पहुंचू तो मुझे ऊपर की तरफ छलांग लगानी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंततः मैंने महसूस किया कि जो टाइल्स है वो जो फर्श है मेरे पैरों के नीचे आ चुकी है, मतलब वो डूबते डूबते फर्श तक पहुंच चुका था। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो टोज थे, मेरे अंगूठे का पैरों के जो अंगूठे थे उस जगह पर पहुंच चुके थे कि जहां पर मैं उस ग्रैब कर सकूं, मतलब उस फर्श को पूरी तरह से पा सकूं छलांग लगाने के लिए। आई जम्प विद
एवरीथिंग आई हैड, और मैंने छलांग लगाई, जो कुछ मेरे पास था, जितनी भी ताकत मेरे पास बची थी, जितनी भी हिम्मत मेरे पास बची थी, उन सारी हिम्मत सारी ताकत को बटोर कर मैंने फिर से एक ऊपर की तरफ छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग ने कोई फर्क नहीं डाला। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी जो मेरे चारों तरफ अभी भी था, मतलब उस पानी के अंदर उसने फिर से एक बार छलांग मारी, मतलब एक बार फिर से उसने कोशिश की कि मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन जो पानी था उसके चारों तरफ हमें अभी भी था, और उस छलांग ने उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डाला। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां देखी, लैडर्स सीढ़ियां देखी, वाटर विंग्स और जलपंख है वो सब देखे, नथिंग बट वाटर, मतलब ये सारी चीजें मैं देखना चाहता था लेकिन मैं पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं देख रहा था, मुझे चारों तरफ पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक ढेर सारा पीला सा पानी मुझे चारों तरफ से घेरे हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक जो विशुद्ध डर ने, मतलब जो पूर्णतया डर होता है, उस डर ने उसे बिल्कुल अंदर तक जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि अब किसी को करंट लग जाए तो करंट होता है, जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसे जब अंदर तक हिला डालती है, उसी तरह से उसके डर ने उसको पूरी तरह अंदर से जकड़ लिया था कि अब वो बाहर, मतलब उस डर से नहीं निकल सकता था। आई शूक एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं जो डर से कांप रहा था, मैं डर से थरथरा रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ जो है नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। I tried to call for help, मैं मदद के लिए बुलाना चाहता था। To call for mother, मैं अपनी माँ को बुलाना चाहता था। Nothing happened, ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मैं अपनी माँ को बुला पाया और ना ही मैं किसी को अन्य को मदद के लिए बुला पाया, क्योंकि मैं उस समय तो पानी के अंदर था, तो उस पानी के अंदर होने के बाद मैं किसी को अपनी हेल्प के लिए, किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला पाया। And then, और तब स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, चारों तरफ प्रकाश हो गया। I was coming out of awful yellow water, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था, मतलब अचानक उसे कोई बाहर निकालने लगा और उसने देखा कि उसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया और उस डरावने पीले पानी से वो बाहर आने लगा, जिस पर वो बार बार जिसमें वो डूब रहा था। At least my eyes were, और अंततः मेरी आंखें भी बाहर आई। My nose almost out too, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई। And then I started down a third time, तब मैं तीसरी बार अपनी यात्रा शुरू कर चुका था, मतलब तीसरी बार अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। तो I sucked for air and got water, और मैंने हवा खींचनी चाहिए, अपने अंदर हवा खींचनी चाहिए, and got water, लेकिन पानी ही पाया। The yellowish light was going out, और जो पीला से प्रकाश था वो अब जा रहा था। Then all effort ceased, और तब सारे प्रयास स्थिर हो गए, ceased मतलब रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे एकदम शांति मिल गई, आराम मिल गया। आई इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे पैर भी एकदम निर्जीव हो गए। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे जो दिमाग पे एकदम अंधेरा सा छा गया, कालापन छा गया। इन वाइप्ड आउट फियर, और जिसने मेरे डर को एकदम से बाहर निकाल दिया। इट वाइप आउट टेरर, इसने मेरे डर, मतलब भय को बाहर निकाल दिया, डर को बाहर निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं एकदम शांत हो गया था, एकदम स्थिर हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और डरने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। दिस इज नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, ड्राउजी का मतलब हुआ कि आप ऐसी स्थिति पहुंच जाए कि आप अब सोने वाले हैं, एकदम उनीदी सी अवस्था में, बहुत ज्यादा जिसको नींद लग जाए उसे ड्राउजी कहते हैं, ड्राउजी अवस्था में पहुंच गए। और टू गो स्लीप, और सोने जा रहे हैं। नो नीड टू जंप, किसी जंप की आवश्यकता नहीं, किसी छलांग की आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि अब छलांग के लिए वो बहुत थक चुका था, मतलब छलांग वो नहीं लगा सकता था, इतना ज्यादा थक चुका था कि वो छलांग नहीं लगा सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये अच्छा, ऐसा अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे आराम से ले जा रहा है, जेंटली आराम से ले जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, मतलब आसमान में तैरते हुए मुझे आराम से ले जा रहा है, मतलब वो समझ रहा था कि मैं मर चुका हूं और मुझे अब जो है यमदूत है वो आराम से मुझे अब आसमान में ले जा रहा है, मैं डूब के एकदम मेरी जो है चिंता, मतलब वो है लाइफ है खत्म हो चुकी है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और एक कोमल सी बाहें मेरे चारों तरफ थी। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, ऐसी कोमल बाहें जैसे मेरी माँ की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सो जाना चाहता हूँ। क्रॉस टू ऑब्लिवेशन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ, और मैंने चेतना की जो सीमा हो वो पार कर दी।
यानी कि मैं बेहोश हो गया एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी जो प्रकाश है मतलब जो मेरी जिंदगी का पर्दा है वो गिर गया। मतलब उसने सोचा कि अब मैं मर चुका हूँ, मेरी जिंदगी का पर्दा पूरी तरह से गिर चुका है, और अब वो चेतना क्रॉस करके मतलब चेतना की सीमा को पार करके और अब वो बेहोश हो चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, और एक चीज मुझे याद रह गई कि मैं उस पूल के बगल में लेटा हूँ और वोमिटिंग मतलब उल्टी कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सिंग, और एक डांट भरी आवाज, चैप का मतलब हो डांट भरी आवाज, जिसको जिसने मुझे फेंका था उसे डांट रही थी, एक आवाज उसे डांट रही थी और कह रही थी, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैंने केवल मजाक किया था। फूलिंग मतलब वो लड़का जो कह रहा था, मैंने केवल मजाक किया था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डेड, और ये किसी ने कहा कि ये बच्चा मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब सही है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसे अब लॉकर रूम तक लेकर जाओ। क्लियर। पहला आवर लेटर आई वॉक टू होम, कई घंटों बाद मैं घर के लिए निकल गया, मतलब घर चला गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रम्बलिंग और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं कांप जाता था और चीख पड़ता था। When I lay, जब मैं लेटता था on my bed, मैं अपने बिस्तर पर जब भी लेटता था मैं कांप जाता था, चीख पड़ता था। I could not eat that night, मैंने उस रात खाना नहीं खाया। For days, I hunting fear was in my heart, और कई दिनों तक मैं अपने उस डर से ग्रसित रहा जो मेरे हृदय में बसा हुआ था, मेरे मन में जो डर बस गया था उस डर से मैं बहुत ज्यादा ग्रसित रहा। Slightest exertion upset me, और एक छोटा सा शारीरिक प्रयास भी मुझे परेशान कर देता था। Making me ugly in the knees and sick to my stomach, और मेरे घुटनों में दर्द कर देता था, मतलब छोटा सा चलने फिरने का प्रयास भी मुझे परेशान कर देता था, अपसेट कर देता था, और मेरे घुटनों में और मेरे पेट में दर्द पैदा कर देता। अर्थात वो जो वहां से लौटा जब स्विमिंग पूल से, तो इतना ज्यादा उसके मन में डर बैठ गया था कि वो उस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, और जितना प्रयास उसने पानी से निकलने के लिए किया था उसने उसके शरीर को इतना ज्यादा थका दिया था, इतना ज्यादा उसमें दर्द पैदा कर दिया था कि कई दिनों तक वो छोटा सा भी प्रयास अगर अपनी शरीर से थोड़ा सी भी मेहनत कर देता था तो वो मेहनत उसके शरीर को परेशान कर देती थी और उसके घुटनों और उसके पेट में बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी, बहुत ज्यादा दर्द पैदा कर देती थी। क्लियर। तो इस प्रकार आपने देखा कि पानी में डूबने के कारण उसकी क्या हालत हो गई थी, कितना उसे परेशानी हो रही थी। तो क्या उसके अंदर से पानी का डर निकल पाएगा, क्या वो फिर से कभी तैरने लायक हो पाएगा, क्या वो फिर कभी पानी में जाएगा, ये सब चीज़ें जो कि इसके आगे बताई गई हैं। इसके आगे आपको ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जिसमें आपको क्लियरली पता लगेगा कि किस प्रकार से उसके मन से पानी का डर निकला, जैसा कि शुरू में लेसन को एक्सप्लेन किया गया है कि उसके अंदर से पानी का डर निकला और फिर वो उसने तैरना शुरू किया। तो उसने किस उसके अंदर से किस प्रकार से पानी का डर निकला और कैसे उसने तैरना शुरू किया, ये इसके आगे मिलेगा। और इसका अगला पार्ट जो मिलेगा आपको मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और इसके अतिरिक्त आपको यदि इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी होगी, जिससे कि मेरा आने वाला दूसरा वीडियो लेक्चर आप तक एकदम टाइम पर एकदम सही समय से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने डीप वाटर के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।